गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। मैं गाड़ी में जाऊँगी ऊपर से चाची वगैरह के साथ, क्योंकि मेरे को आज जाना है जल्दी। 9:30 बजे बुलाया है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आज हमारी ELP का प्रैक्टिकल है और लास्ट क्लास है आज ELP की। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे से क्या करवाएंगे, और आज हमारे को लेके जाएंगे खाल्टू, हमारी फील्ड है वहाँ पे। तो चलो चलते हैं और आपको आज दिखाते हैं कि आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो, आज मैं आई हूँ प्राइवेट बस में और मैं पहुँच चुकी हूँ अभी यूनिवर्सिटी, और 9:30 बजे बोला था, नहीं तो बस थोड़ी लेट होगी। मैं इतनी जोर की भूख लगी थी, फिर मैंने फ्रूट लिया और फिर फ्रूट खाया। तो बस अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, बाकी बच्चे भी आएगी होंगे। तो आज ना, जैसे मतलब हमारे को 3rd ईयर में ELP होती है, पहले और दूसरा सेमेस्टर दोनों में। तो पहले सेमेस्टर की तो होगी ख़त्म, और आज दूसरे वाले सेमेस्टर की आज लास्ट ELP है, फाइनली ख़त्म होगी। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, पर आज काम बहुत करवाएंगे। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का, ये इधर डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस, कैबेज लगाई हुई अंदर, और बाकी आगे है हमारी ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सिल्वीकल्चर की फील्ड, और फ्लोरिकल्चर का डिपार्टमेंट, वो आपको मैं आगे चलते चलते दिखाती हूँ। और ये है इधर मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि अभी खुली नहीं है, 10 बजे खुलेगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, आप सबको बताया, और मेरे क्लासमेट्स ये इधर अनीशा एंड ये इधर आरुषि। तो बस अब हम चलते हैं, और अभी हमें कहाँ जाना है आरुषि? खाल्टू। खाल्टू जाना है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा हमारे को। तो चलो, बच्चे के लिए जाना है, पर आधे बच्चे तो अभी तक आए भी नहीं हुए। हम लोग देखो कितने सिंसियर बच्चे, टाइम से पहुंच चुके हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी ICR वाली फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लगे हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखेगा, ये जो सामने लगा ये है लेमन ग्रास, और साइड में बाकी भी लगे हैं खस ग्रास वगैरह, मिंट्स लगी है, मिंट की वेराइटीज़ मतलब बहुत सारी। तो ये देखो इधर बोर्ड लगा है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सो दोस्तों, ये जब हम पिछले सेमेस्टर में थे ना, तो हमारी ये वाली ELP की फील्ड होती थी, और ये है सिल्वीकल्चर वाले डिपार्टमेंट की फील्ड। यार थैंक यू आंटी, पहली बार यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रूट लगा हुआ है, वो खा रहे हैं हम। ये देखो यहाँ सारे लगाए हुए हैं, वही तो अभी हम पहुंच चुके हैं एग्रोफॉरेस्ट्री की फील्ड में। तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होती है? जिसमें हम फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के क्रॉप्स होते हैं उनको साथ में लगाते हैं कि लैंड पे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो वैसे फील्ड पीछे रहेगी, बाकी मैंने रिकॉर्ड करा है वीडियो, आप देख लेना। ट्रीज़ और जो भी क्रॉप लगाएंगे वो साथ में लगाएंगे एक ही जगह पे, और एक सिमेट्री में लगाएंगे, जैसे एक साइड पेड़, फिर वहाँ बीच में क्रॉप, और फिर यहाँ साइड में पेड़। ये इधर हमारे एप्रिकॉट की फार्मिंग करी है सारी, ये देखो खुमानी ब्लॉक। इधर हमारे सारा ये एप्पल का ऑर्चर्ड है लगाया हुआ, और देखो इसमें छोटे छोटे एप्पल्स भी लगे हुए हैं। इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्रोडक्टिविटी फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्रूट सॉरी प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश। बजट देखो आप कहाँ है, 3.53 crores। सो इधर है यहाँ पे हमारा फ्लोरिकल्चर का डिपार्टमेंट, एंड ये देखो इधर बोर्ड लगा है, और ये है। हेलो देवांग, हेलो मयंक, हेलो मुस्कान, हेलो अंकित, हेलो मृदुल, दिव्यांश एंड इसको तो बोलना ही नहीं कुछ भी। तो अब हम देखो कैसे रास्ते से जा रहे हैं, इधर शॉर्टकट है यहाँ से। पकड़नी पड़ेगी।
ज्यादा बनते हैं। इधर मानसी है, इधर पल्लवी, और इधर किरण, कामिनी, अर्चना, और वो है उधर आंचल बैठी हुई, और ये बढ़िया यहाँ पे छाँव में बैठे हैं ऊपर से इतना गर्मी से चलने के बाद। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी फील्ड में जहाँ हमें आना था। बस अब हमें काम बताएंगे कि क्या करना है, तो मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी कि आज हम उससे क्या करवाए थे क्या नहीं। तो बस चलो चलते हैं, और सारे बच्चे आ गए हैं, और थोड़ी देर में मैम वगैरह भी आ जाएंगे सब। ये देखो इधर दोस्तों, ये आज हमारी फील्ड जिसमें हमने काम करना है। और दोस्तों वहाँ पे खाना बना रहे हैं, आज हमारा लंच भी यहीं पे होगा, तो उधर खाना बन रहा है। क्या बोला? ये बस साफ करनी है पूरी वीड्स, सारी वीड्स साफ करनी है इस पूरी फील्ड की। तो दोस्तों हमने अभी पहले फील्ड की सारी वीड तो निकाल दी है, कांग्रेस की ग्रास थी यहाँ लगी हुई। और कितना हो गया टाइम? टाइम हो गया 11:30। और यार हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एक तो इतनी धूप है और प्यास भी लग रही है, पानी भी नहीं है पीने को। और अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, और अभी हम रेस्ट करके आ गए, और अब फिर से बोला कि उठ जाओ और काम करो। वो देखो सब उधर पीछे बॉयज़ सब काम कर रहे हैं, तो अब हमें भी काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, काम कर लेते हैं। और ये दिन मानसी पूरी रेडी होके आई है ग्लव्स वगैरह पहन के वीड निकालने के लिए। आज तो मानसी ने सोच लिया कि आज पूरा खेत, हम बोल रही थी कि खुद साफ करूंगी, फिर हमने बोला कि नहीं यार तो साथ में खेत मैंने दिखा दिया है, वो देखो पूरा। और ये पानी आ गया, पानी पीना। उधर बॉयज बैठे हैं, तो पानी आ गया और अब हम पानी पियेंगे। प्यास लग रही है बहुत। चलो दोस्तों पानी पी लेते हैं। काटूंगा किसी का गला। सुबह हम लोगों का हो गया लंच ब्रेक, और अभी हम कर रहे हैं हैंड वॉश, और हाथ भी नहीं धोने पड़ेंगे हमारे, क्योंकि पानी नहीं है और साबुन भी नहीं है। तो बस अब हाथ धो लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनाए लंच में, बस करते फिर लंच। ये देखो इधर सब हाथ धो रहे हैं पानी में। ये देखो सब इधर हैंड वॉश कर रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों सब अपने हाथ धो रहे हैं इधर, और ये इधर भंसी है वाटरप्रूफ है मेरा। तो इधर सब लंच कर रहे हैं, और कंचन को मिल नहीं रहा है। कुछ इधर पर आ जाओ, और ये सोच रहा है कि इसको ये नहीं लग रहा सुहास नहीं है इसका 3 डेट्स का, वो ऐसे खड़े होता है ऐसे देख रहा था। वो प्रेस करने को नहीं जाता जो कपड़े, वो देखा वो हमने नहीं भाई, भाई तो बैठ गया। तो इधर बना है हलवा, और अंकल देखो डाल ले हलवा हमें सब को है ना, कम डाल बहुत डाल लो। हां जी थोड़े से डालना करी में कम में क्या बोली थी? फिर दिमाग खाली आना।
नहीं बस खा रहा यार, इसका खत्म भी नहीं हो रहा है, इसे खा खा के इसने भी और लेने हैं। निकले हमारे ELP के और ये सब इधर खाना खा रहे हैं, गरीबों को छांव देते हुए। और ये बहुत ही अच्छे इंसान गरीबों को। तो दोस्तों हमने लंच कर लिया है और बना था हलवा, सूजी का हलवा और कढ़ी एंड राइस एंड माँ की दाल जिसको हम काली दाल एंड राजमा बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा था खाना। बस सब हम लोगों ने कर लिया लंच, अब शायद 5 मिनट रेस्ट होगा और फिर उसके बाद फिर से बोलेंगे कि काम पे लग जाओ। तो बस थक गया और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग सब ना सारी लड़कियाँ हम आगे आगे हैं घर से जहाँ पर हम काम कर रहे थे वहाँ से आगे। ये थोड़ा सा पानी सा है यहाँ पे, ये देख लें। तो अभी आपको भी दिखाती हूँ मैं, ये देखो इधर दोस्तों, और ये लोग इधर फोटो शूट कर रहे हैं, ये देखो। और ये इधर कामिनी, अरे वहाँ पे लेते हैं फोटो ग्रुप। हाँ चल, अब हम फोटोज लेने जा रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों अभी हम खा रहे हैं आड़ू। और देखो गाइस, हमें आड़ू के लिए बिना आड़ू के ब्लॉग में लिया जा रहा है दोस्तों। मैं अपने घर से आड़ू लेके, कितना अत्याचार हुआ इसे हमारी याद नहीं आई, लेकिन मैं चार ही रहे थे। कंचन तेरे लिए तुझे याद है ना मेरी आई किसी से। अब क्या आड़ू टेस्टी है, बहुत मिट्टे हैं। सो दोस्तों हमारी ELP बस अब खत्म ही हो गया और हमने काम कर लिया है कम्प्लीट। बस अब हमारी छुट्टी होने वाली है और ये सब इधर देख सकते हो आप कैसे थके थके किसी जैसा। सेवन सारे सारे हम लोगों की छुट्टी हो गई है ELP से और हम लोग जा रहे हैं खाल्टू थोड़ी देर के लिए। ऐसे हमारे को मना करिए लेकिन फिर भी हमारे को मना करिए कि जाओ मत, लेकिन हम फिर भी चुपचाप से आ गए। हम हैं कम से कम 15 के बच्चे। चलो चलते हैं और थोड़ी देर घूम के आते हैं और फिर बस वापस आएंगे और ध्यान से जाएंगे हम। और ये देवांग एंड ये मानसी आगे आदर्श चला है और पीछे से आंचल अनीशा एंड मृदुल मुस्कान वगैरह आ रहे हैं और बाकी भी हैं। फिर यहाँ हम भीड़ों में चल पड़े हैं। बढ़िया, कहाँ चल पड़े? भीड़ इलाकों में। भीड़ जल्दी बताओ, भीड़ होते हैं ऐसे रास्ते, संकरे रास्ते। अच्छा, फॉरेस्टर ज्यादा बनते अपने आप को।
तो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं नीचे, मतलब पहुंच ही गए, बस यही है नीचे जहाँ पे आपको दिख रहा है इस घर से परे को। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इधर खाल्टू में। आजकल जैसे बारिशें हो रही है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, मतलब फ्लो ज़्यादा है वाटर का। जब हम पिछली बार आए थे तो इतना पानी नहीं था। तो हम पहुंच चुके हैं और वहाँ बॉयज उधर स्विमिंग कर रहे हैं एंड हम लोग यहाँ पे बस बैठे हुए हैं आराम से। और इधर काम नहीं बैठ, तो अभी हम खा रहे हैं बिस्किट। कौन लेके आया है वैसे ये? थैंक्स। सो दोस्तों ऐसा रहा कुछ आज का हमारा दिन, बस अब हम फ्री हो गए हैं और बस हमने यहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय कर लिया, थोड़ी देर यहाँ बैठ के। बस अभी हम इसके बाद जा रहे हैं घर और मेरा फोन होने वाला है डेड, सिर्फ 5% बैटरी बची है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलेगी जिंदगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी। बाय 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 कर दो भाई। गाइस बाय बाय।